दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सचिन पायलट को बीजेपी का खुला ऑफर, कहा देश को प्राथमिकता देने वालों के लिए खुला है दरवाजा। वहीं ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी में पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत गुलामों जैसी, नहीं करेंगे गठबंधन। वहीं कपिल सिब्बल का कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल, कहा फिलहाल बीजेपी का कोई भी सियासी विकल्प नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या कांग्रेस धारा 370 की बहाली चाहती है, चुप्पी तोड़े कांग्रेस नेतृत्व। वहीं महबूबा मुफ्ती बोली, आज अगर अंबेडकर जिंदा होते तो बीजेपी उन्हें भी पाकिस्तान का समर्थक करार दे देती। वहीं मायावती का बड़ा ऐलान, बोली लोगों में आक्रोश और महंगाई कम करने पर ध्यान दे मोदी सरकार। वहीं पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, आम आदमी की चिंता है तो कर घटा दें कांग्रेस शासित राज्य। वहीं कांग्रेस एमएलए ने अशोक गहलोत सरकार पर लगाया विधायकों के फोन टैप कराने का आरोप, कहा फंसाने की हो रही कोशिश। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इंडिया फर्स्ट कहने वालों का बीजेपी में स्वागत, पद पैसा और पावर को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान। वहीं मुकुल राय की टीएमसी में वापसी पर बोले दिलीप घोष, कटमनी पार्टी से आए लोगों का बीजेपी में रहना मुश्किल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, सचिन पायलट को बीजेपी का खुला ऑफर, कहा देश को प्राथमिकता देने वालों के लिए खुला है दरवाजा। ये आपको बता दें कि राजस्थान में अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर भारतीय जनता पार्टी ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने इशारों ही इशारों में सचिन पायलट को ऑफर देते हुए कहा कि पार्टी का दरवाजा उन सभी लोगों के लिए खुला हुआ है जो देश को पहली प्राथमिकता देते हैं। राजस्थान के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई विजन नहीं बचा है और इसलिए नेताओं को पार्टी छोड़कर विजन वाली दूसरी पार्टी में जाना होगा। आपको बता दें कि निशानेबाज राठौड़ ने सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने के सवाल के जवाब में कहा कि हमारी पार्टी उन सभी लोगों के लिए खुली हुई है जो देश को प्राथमिकता देते हैं और अपनी विचारधारा इंडिया फर्स्ट कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में फूट के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार बताते हुए राठौड़ ने कहा कि जब केंद्र में आपका नेतृत्व कमजोर होता है तो क्षेत्रीय नेता अपनी मनमर्जी करते हैं, भले ही आपका संदेश कुछ भी हो, चाहे पंजाब हो या फिर राजस्थान, विजन नहीं होने की वजह से नेता पार्टी छोड़कर विजन वाली पार्टी ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सचिन पायलट को खुला ऑफर दे दिया है और कहा है कि देश को प्राथमिकता देने वालों के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी में पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत गुलामों जैसी, नहीं करेंगे गठबंधन। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को भविष्य में बीजेपी के साथ किसी प्रकार के गठबंधन से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि वहां पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत गुलामों जैसी है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के किसी भी नेता के संपर्क में नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रह चुके सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने भविष्य में भाजपा के गठबंधन करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यदि उन्हें न्योता देते हैं तो भी वह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा चुनाव से पहले राजभर की पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया था और ये करार अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। उन्हें भाजपा ने 8 सीटें दी थी जिनमें 4 सीटों पर राजभर समेत की पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया लेकिन कुछ माह बाद ही भाजपा से उनकी दूरी बढ़ती गई और अंततः उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। इस बीच भाजपा और सुभाषपा के बीच में गठबंधन की अटकलें हैं। आपको बता दें कि जिन्हें सिरे से खारिज करते हुए राजभर ने दोटू कह दिया है कि हम भाजपा के किसी नेता के संपर्क में नहीं है और अब तक भाजपा के किसी नेता ने मुझसे संपर्क भी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी सूरत में भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे, यदि अमित शाह भी बुलाते हैं तो भी हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। और ये बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती बोली, आज अगर अंबेडकर जिंदा होते तो बीजेपी उन्हें भी पाकिस्तान का समर्थक करार दे देती। ये आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आलोचना के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर भारतीय संविधान के निर्माता बीआर अंबेडकर जीवित होते तो बीजेपी उन्हें भी पाकिस्तान का समर्थक करार दे देती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को अंबेडकर की तरफ से तैयार किए गए संविधान से मान्यता मिली थी लेकिन केंद्र ने उसे
उसे तहस नहस कर डाला। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में केंद्र ने निष्प्रभावी बना दिया था। पीडीपी प्रमुख का बयान सोशल मीडिया पर एक ऑडियो चैट पर दिग्विजय सिंह द्वारा कथित रूप से दिए गए बयान पर उनकी और कांग्रेस की हो रही आलोचना के बीच आया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से कहा था कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने पर पुनर्विचार करेगी। अगली बड़ी खबर, मायावती ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला, बोली लोगों में आक्रोश और महंगाई कम करने पर ध्यान दे मोदी सरकार। यहां आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। मायावती ने कहा कि जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम जनता परेशान है, पर न तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही और न ही केंद्र सरकार। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि एक तरफ कोरोना प्रकोप से हर प्रकार की जबरदस्त मार है और दूसरी ओर पेट्रोल व डीजल आदि की लगातार बढ़ती हुई कीमत के कारण जरूरी वस्तुओं की महंगाई भी आसमान छू रही है, जिसने लोगों का जीवन दुखी कर दिया है और त्रस्त कर दिया है। फिर भी केंद्र सरकार व राज्य सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल व डीजल की कीमत लगभग 100 रुपए पहुंच जाने से लोगों में आक्रोश की खबर लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। ऐसे में बीएसपी ये मांग करती है कि संक्रमण के इलाज संबंधी उपकरणों आदि पर जीएसटी टैक्स को कम करके नियोजित बनाने की तरह ही सरकार महंगाई कम करने पर भी ध्यान दे। आपको बता दें कि मायावती ने साफ कहा कि मोदी सरकार लोगों में आक्रोश और महंगाई कम करने पर ध्यान दे। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले आम आदमी की चिंता है तो कर घटा दें कांग्रेस शासित राज्य। ये आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि कांग्रेस आम आदमी पर वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ते बोझ की वजह से चिंतित है तो उसे अपने शासन वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में कटौती करनी चाहिए। बता दें कि पिछले करीब 6 सप्ताह से कम समय में पेट्रोल 5.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6.25 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने और ऊंचे केंद्र और राज्य करों की वजह से ईंधन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने यह टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई और अन्य विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर करों से अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये बात को स्वीकार किया है कि वाहन ईंधन के लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम उपभोक्ताओं को चोट पहुंच रही है। अगली बड़ी खबर, मुकुल राय की टीएमसी में वापसी पर बोले दिलीप घोष, कटमनी पार्टी से आए लोगों का बीजेपी में रहना मुश्किल। यह आपको बता दें कि भाजपा का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले मुकुल राय को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने निशाना साधा। दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग ऐसी पार्टी में आए हैं जहां कटमनी का चलन है उसके लिए बीजेपी में रहना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। दिलीप घोष ने मुकुल रॉय को आया राम गया राम बताते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों की ज्यादा परवाह नहीं है। आपको बता दें कि बंगाल बीजेपी के प्रमुख ने समाचार एजेंसी ANI से कहा यह जरूरी नहीं कि जो कोई भी बीजेपी में आएगा वो वहीं रहेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तपस्या करने की जरूरत होती है, ऐसे लोगों का बीजेपी में रहना थोड़ा मुश्किल है जो ऐसी पार्टी यानी TMC से आए हैं जहां कटमनी और सिंडिकेट कल्चर हो। उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर होगा बीकानेर, सोमवार से शुरू होगी मुहिम। ये आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में सोमवार से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि ये देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो घर घर जाकर कोविड के खिलाफ जंग शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लोगों के घरों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, शिवसेना का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, कहा जैसे पानी के लिए नल पर महिलाएं लड़ती हैं बंगाल में वैसी ही केंद्र और राज्य की लड़ाई। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में रविवार के संपादकीय में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्र की हालिया तनातनी का जिक्र करते हुए
पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र पर देश की समस्याओं को हल करने के बजाय तीसरे वर्ग की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में कहा, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में विभिन्न संपन्न पश्चिम बंगाल चुनावों में अपनी करारी हार से बहुत आहत है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को इस हार को दिल से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार पूरे जी जान से चुनाव लड़ेगी। और बड़ी खबर, दिल्ली में आज से सभी मार्केट मॉल और रेस्टोरेंट खुलेंगे, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी में अब कोरोना का प्रकोप बहुत कम हो गया है। इसी के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में आज से सभी मार्केट मॉल रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल कॉलेज स्विमिंग पूल स्पा सेंटर बंद रहेंगे, ये घोषणा केजरीवाल ने की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। मार्केट खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम आज से लागू नहीं होगा। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बाजार मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही कृषि कानूनों का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।